Dear students, today I tell you the brief summary of the Merchant of Venice, which is in your course. आज मैं आपको नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस अर्थात वेनिस का व्यापारी का संक्षिप्त कथानक बताऊंगा. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ फेमस प्ले रिटन बाय द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर. फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट द राइटर विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट स्टेटफोर्ड ऑन एवन. ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट ही वॉज नॉट ओनली अ ड्रामाटिस्ट बट ऑल्सो अ ग्रेट पोएम. ही रोट 154 सोनेट्स एंड सम अदर लॉन्ग पोएम्स. बिसाइड्स इट ही रोट 37 प्लेज. मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेजडीज. द प्रेजेंट प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज द बेस्ट कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर. द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैज बीन पब्लिश्ड इन 1600. The Merchant of Venice is a famous play of William Shakespeare. To know The Merchant of Venice, we should know the stories of the play. There are 5 short stories in this play. As you know, the Casket story related with Portia, the Bond story related with Antonio and Shylock, Jessica's elopement with Lorenzo, and the trial scene, and at last the ring episode. अर्थात The Merchant of Venice नाटक 5 छोटी कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कास्केट स्टोरी, बॉन्ड स्टोरी, जेसिका का लोरेंजो के साथ भागना, ट्रायल सीन और रिंग एपिसोड. देयर आर मेनी कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. सम इम्पोर्टेंट आर एज एंटोनियो. Antonio is the main character of the play. He was a famous merchant of Venice. He was a Christian. Bassanio was his close friend. He was also a Christian. Shylock is the villain of the play. He was a fanatic Jew. He had only daughter named Jessica. And some other important characters are Lorenzo, Jessica's lover. He was also a Christian. Lancelot, Shylock's servant. Salerio, Salenio, Graciano. They were friends of Antonio and Bassanio. इसी प्रकार The suitors of Portia, the Prince of Morocco, the Prince of Aragon, and the Duke. इस प्रकार कई महत्वपूर्ण पात्र हैं इसमें. Let us start the play with Portia. Portia was the most beautiful lady of Belmont. She was a very wise lady. She was very intelligent. She was a rich lady. Nerissa was her waiting maid.
she was as her close friend. Balthazar was Portia's servant. जैसा कि पोर्सिया के बारे में आपको जानकारी दी गई, पोर्सिया बेलमेंट की धनी महिला, एक सुंदर महिला थी. She was the most beautiful lady of Belmont. नेरिसा उसकी सेविका थी, बाल्थजर उसका सेवक था, नौकर था. पोर्सिया वाज फादरलेस, पोर्सिया के पिता का देहांत हो चुका था. पोर्सियाज फादर हैड लेफ्ट अ विल, पोर्सिया के पिता एक इच्छा पत्र छोड़ गए थे. अकॉर्डिंग टू हिज विल पोर्सिया वाज नॉट फ्री टू सेलेक्ट हर ओन हस्बैंड. देयर वुड बी अ मैरिज टूर्नामेंट फॉर पोर्सियाज मैरिज. देयर वुड बी थ्री कास्केट्स इन दिस टूर्नामेंट, अ गोल्डन, अ सिल्वर एंड अ लीडन. अर्थात उनकी इच्छा पत्र के अनुसार पोर्सिया अपने पद के चुनाव करने में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक प्रतियोगिता के माध्यम से उसका विवाह होगा, जिसमें तीन पेटिकाएं होंगी, एक सोने की, एक चांदी की, एक जस्ते की, अर्थात शीशे की. वन ऑफ देम वुड हैव पोर्सियाज पोर्ट्रेट. द सूटर हु विल चूज द राइट कॉस्केट ऑफ पोर्सियाज पोर्ट्रेट, ही विल बी एबल टू मैरी विद हर. अर्थात जो प्रतियोगी उन तीनों कास्केट में से सही कास्केट अर्थात पोर्सिया की तस्वीर वाला कास्केट चुनेगा, उसी से उसका विवाह हो. इस प्रकार ये शर्तें. मैनी रिच मैन एंड किंग्स प्रिंसेस वॉन्टेड टू मैरी विद पोर्सिया. फॉर एग्जाम्पल द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ आर्गन wanted to marry with Portia because Portia was the most beautiful lady of Belmont. She was very rich, she was very wise. इस प्रकार बहुत से धनी धनी राजे महाराजे Portia से विवाह करना चाहते थे, जिसमें मोरक्को का राजकुमार, आर्गन का राजकुमार. Portia बहुत विलक्षण महिला थी, सुंदर थी, विद्वान थी, उसे विवाह करने के लिए ये सभी इच्छुक. बैसेनियो was very keen to win Portia's hand because Bassanio was a great lover of Portia. Bassanio, जो एंटोनियो का मित्र है, क्रिश्चियन है, वेनिस रहता है, वह भी Portia से शादी करने का इच्छुक है. वह Portia का एक महान प्रेमी है. Portia loves Bassanio वेरी मच. Portia भी Bassanio को बहुत अधिक प्रेम करती. सी नोज हिम वेल, और उसे अच्छे ढंग से जानती भी है. बट Bassanio वॉज एन एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन. लेकिन Bassanio फिजूल खर्ची व्यक्ति है. ही वॉन्टेड टू गो टू बेलमेंट टू अटेंड द मैरिज टूर्नामेंट ऑफ Portia, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी. वो जाना तो चाहता है बेलमेंट, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास रुपए ही नहीं. सो ही वेंट टू एंटोनियो फॉर मनी. वो एंटोनियो के पास, ही नीडेड 3,000 ड्यूक टू अटेंड द मैरिज टूर्नामेंट ऑफ Portia. ही डिमांडेड द मनी टू एंटोनियो, बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम एंटोनियो हैड नो मनी. Because his ships have not returned, उसके जहाज़ें अभी वापस नहीं आई हैं एंटोनियो को, इसलिए उसके पास अभी धन नहीं है. So he was unable to help Bassanio, इसलिए वो Bassanio का हेल्प करने में असमर्थ. But as a close friend, he wanted to help Bassanio at any rate, पर किसी भी कीमत पर Bassanio की मदद करना चाहता है, क्योंकि वह उसका घनिष्ठ दोस्त. So both went to Shylock as usual.
इसलिए दोनों लोग अर्थात एंटोनियो बैसेनियो साइलाफ के पास चले जाते हैं। बैसेनियो डिमांडेड 3000 ड्यूकेट्स टू साइलाफ, साइलाफ से बैसेनियो 3000 ड्यूकेट की मांग करता है। साइलाफ हेटेड एंटोनियो वेरी मच बिकॉज साइलाफ वाज ए फैनेटिक ज्यू एंड ही हेटेड क्रिश्चियंस, सो ही डिसलाइक्ड एंटोनियो वेरी मच। वो एंटोनियो से बहुत घृणा करता, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, वह बदला लेना चाहता एंटोनियो से। एट लास्ट ही एक्सेप्टेड बैसेनियोज डिमांड, अंत में वो बैसेनियो की डिमांड को स्वीकार कर लेता। बट ही पुट अ बॉन्ड बिफोर देम टू गिव 3000 ड्यूकेट्स टू बैसेनियो, बैसेनियो को 3000 ड्यूकेट देने के लिए वह एक शर्तनामा उनके सामने रख देता। अकॉर्डिंग टू हिज बॉन्ड ही वुड गिव मनी 3000 ड्यूकेट्स टू बैसेनियो ओनली ऑन द क्रेडिट ऑफ एंटोनियो, वह केवल एंटोनियो के ही क्रेडिट पर शॉक पर 3000 ड्यूकेट बैसेनियो को देगा। उसकी पहली शर्त, ही वुड गिव 3000 ड्यूकेट्स ओनली फॉर 3 मंथ्स, वह 3 महीने के लिए केवल धन देगा। इफ एंटोनियो फेल्स टू पे बैक मनी ही वुड कट आउट 1 पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम हिज बॉडी, यदि एंटोनियो धन चुकाने में असफल हो जाता है तो उसके शरीर से वह 1 पाउंड मांस काट लेगा। ऐसी शर्त। साइलाक वाज ए क्रूएल मैन, ही इज द विलन ऑफ द प्ले, वह एक निर्दयी व्यक्ति है, खलनायक है इस नाटक का, इसलिए ऐसा कृत्य वह कर रहा है। बैसेनियो एडवाइसेज एंटोनियो नॉट टू साइन द बॉन्ड बिकॉज द बॉन्ड वाज वेरी फाइटल, बैसेनियो मना करता है एंटोनियो की बॉन्ड पर हस्ताक्षर मत करो क्योंकि घातक है। बट एंटोनियो वांटेड टू हेल्प बैसेनियो एट एनी रेट, सो एट लास्ट ही साइंड द बॉन्ड, वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दिए। साइलाक बिकेम रेडी टू गिव 3000 ड्यूकेट्स टू बैसेनियो, बैसेनियो को 3000 ड्यूकेट देने के लिए वह तैयार हो गया। बैसेनियो इज वेरी हैप्पी, ही इनवाइट्स साइलाक इन हिज डिनर पार्टी फॉर दैट नाइट, उसी रात के लिए वह डिनर पार्टी के लिए साइलाक को इनवाइट कर लेता है। और उधर बेलमेंट में पोर्सिया के यहाँ उसके विवाह के इच्छुक व्यक्ति पहुँचते हैं, जिसमें द प्रिंस ऑफ मोरक्को वेंट देयर एंड ही चूजेज द गोल्डन कास्केट, ही फेल्स इन हिज एम एंड लीव्स बेलमेंट, और गोल्डन कास्केट को चुनता है मोरक्को का राजकुमार, वह असफल हो जाता है और वहाँ से वह निराश लौट आता है। इसी प्रकार द प्रिंस ऑफ ऑर्गन वेंट देयर, ही चूजेज द सिल्वर कास्केट, ही ऑल्सो फेल्स एंड लीव्स बेलमेंट, वह भी उसमें फेल हो जाता है क्योंकि वह चांदी के कास्केट को चुनता है जिसमें पोर्सिया का पोर्ट्रेट नहीं है, तस्वीर नहीं है, वो भी फेल हो जाता है अपने उद्देश्य में, वो भी वापस आ जाता है। इस प्रकार अब बैसेनियो बेलमेंट जाना चाहता है उसी मैरिज टूर्नामेंट के लिए। इधर साइलाक वांट्स टू गो इन द डिनर पार्टी ऑफ बैसेनियो फॉर दैट नाइट, ही इज रेडी टू गो देयर इन द नाइट, और रात में वहां जाने के लिए तैयार है उस डिनर पार्टी में। जेसिका ओनली डॉटर ऑफ साइलाक लव्ड अ क्रिश्चियन नेम्ड लोरेंजो, जेसिका जो साइलाक की पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी, वह एक ईसाई जिसका नाम लोरेंजो था उससे प्रेम करती।
शी वॉन्टेड टू इलोप विद हिम, वह उसके साथ भाग जाना चाहती थी। शी सीक्ड अ गुड चांस फॉर इट, अ गुड टाइम फॉर इट, और उसके लिए एक अच्छा समय चाहती थी, अच्छे समय की उसे तलाश थी। सो शी प्लान्ड टू इलोप विथ लोरेंजो एट दैट नाइट, इसलिए वह उसी रात लोरेंजो के साथ भागने का प्लान कर लेती। शी सेंड्स अ मैसेज टू लोरेंजो बाय लांसलॉट, और लांसलॉट के द्वारा लोरेंजो को संदेश भेजती है। इधर साइलॉक डिनर पार्टी में जाता है। जेसिका इलोप्ड विथ लोरेंजो विद ए लॉट ऑफ मनी एंड ज्वेल्स, जेसिका लोरेंजो के साथ उसी रात बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात लेकर भाग जाती है। साइलॉक हियर्स दिस न्यूज, ही बिकम्स वेरी सैड एंड वेरी एंग्री। साइलॉक इस खबर को सुनता है और बहुत दुखी होता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। नाउ बैसेनियो वेंट टू बेलमेंट विद ग्रेसियानो हिज फ्रेंड, अब बैसेनियो अपने मित्र ग्रेसियानो के साथ बेलमेंट जाता है। देयर ही चूजेस द लीडर कॉस्केट विच है पोर्सियाज पोर्ट्रेट, वह वहाँ शीशे वाले पेटिका को चुनता है जिसमें पोर्सिया का तस्वीर है। ही सक्सीड्स इन हिज एम, ही विंस पोर्सियाज हैंड्स, वह अपने उद्देश्य में सफल होता है, पोर्सिया को अपना बना लेता है। पोर्सिया किसेज हिम विद लव। जस्ट अबाउट द टाइम ग्रेसियानो विशेज टू मैरी विद पोर्सियाज मेड नेरिसा, बैसेनियो का फ्रेंड ग्रेसियानो पोर्सिया की सेविका नेरिसा से शादी करना चाहता। नेरिसा हैड फॉलन इन लव विद ग्रेसियानो ऑलरेडी, नेरिसा भी ग्रेसियानो के प्रेम में बंध चुकी थी पहले ही। शी विश्ड टू मैरी विद हिम, वह भी उसके साथ शादी की इच्छा की। पोर्सिया गेव अ रिंग टू बैसेनियो एज अ गिफ्ट एंड मेड प्रॉमिस दैट ही शुड नॉट पुट आउट द रिंग फ्रॉम हिज फिंगर, एंड नेरिसा गेव अनदर रिंग टू ग्रेसियानो एंड मेड हिम प्रॉमिस नॉट टू पुट आउट द रिंग फ्रॉम हिज फिंगर। इस प्रकार पोर्सिया और नेरिसा दोनों अपने लवर्स को, अपने पतियों को अंगूठी देती हैं। नेरिसा ग्रेसियानो को देती है और पोर्सिया बैसेनियो को, और वादा करा लेते हैं कि वह अंगूठी उनकी उंगली से बाहर नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी शेयर्ड टू अदर वुमेन। तब तक सेलेरिनो ब्रिंग्स अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो, ही गिव्स टू बैसेनियो। सेलेरिनो एक लेटर लाता है जो एंटोनियो का लेटर बैसेनियो को देता है। बैसेनियो रीड्स एंटोनियोज लेटर, वह उसके पत्र को पढ़ता है और उसे जानकारी मिलती है कि एंटोनियोज शिप्स हैव नॉट रिटर्न, एंटोनियो की जहाजें वापस नहीं आई हैं। ही इज अनेबल टू पे बैक मनी टू साइलॉक, वह साइलॉक को धन वापस करने में असफल है, असमर्थ है। एंड साइलॉक वॉज रेडी टू कट आउट 1 pound फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, और साइलॉक उसके शरीर से 1 pound मांस काटने के लिए तैयार है। बैसेनियो बिकेम वेरी सैड अबाउट हिज क्लोज फ्रेंड एंटोनियो,
Porcia wanted to help him. Porcia gave him 6,000 ducats to help Antonio, and she sends Bassanio to Venice. वो 6,000 ड्यूकेट से देती है बैसेनियो को और वेनिस भेज देती है हेल्प करने के लिए. बैसेनियो वेंट टू वेनिस टू हेल्प एंटोनियो. ही गोज टू साइलाक विद एंटोनियो बिफोर द ड्यूक. वह ड्यूक के सामने एंटोनियो के साथ साइलाक के पास जाता है. ही गिव्स 6,000 ड्यूकेट्स टू साइलाक एज पेनाल्टी. वह दंड के रूप में साइलाक को 6,000 ड्यूकेट देता है. बट साइलाक वाज अ रिवेंजफुल पर्सन सो ही रिजेक्ट्स द मनी. साइलाक एक प्रतिशोधी व्यक्ति था इसलिए वह उस रुपए के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. अंततः एंटोनियो का केस अब ड्यूक के सामने. पोर्सिया वांटेड टू हेल्प एंटोनियो at any rate because Antonio was a close friend of her husband Bassanio. Porcia किसी भी कीमत पर किसी भी तरह Antonio का help करना चाहती है क्योंकि Bassanio का वह खास दोस्त है. Porcia made a plan with Nerissa. Nerissa के साथ Porcia plan बनाती. तब तक Lorenzo and Jessica reached Belmont. लोरेंजो और जेसिका वहाँ से भागकर बेलमेंट आ जाते हैं पोर्सिया के. पोर्सिया एंड नेरिसा मेड अ प्लान. पोर्सिया सेंट बाल्थजर टू डॉक्टर बोलेरियो. पोर्सिया अपने नौकर बाल्थजर को डॉक्टर बोलेरियो के पास भेज देती है. डॉक्टर बोलेरियो वाज अ ग्रेट लॉयर. ही वाज द लॉयर ऑफ एंटोनियो. डॉक्टर बोलेरियो एक महान वकील थे. वो एंटोनियो के वकील थे और पोर्सिया वाल्चर के माध्यम से उन्हें पत्र भेजती है. शी वांटेड टू आर्गू एंटोनियोज केस हरसेल्फ इन द कोर्ट. वह कोर्ट में एंटोनियो के मामले को स्वयं देखना चाहती है एज ए डॉक्टर ऑफ लॉ एक वकील के रूप में. She demands the garment of the lawyer from Dr. Bellerio. Dr. Bellerio से वह वकील का वस्त्र मांगती है उस पत्र के माध्यम से. At last, Balthazar brought the garment of a lawyer and a note. अंत में Balthazar वकील का वह वस्त्र लाता है और एक नोट भी लाता है अर्थात पत्र भी लाता है. At last, Porcia and Nerissa in disguise reached Venice. छद्म वेश में Porcia और Nerissa Venice पहुंच जाते हैं. Porcia as a doctor of law, as a young lawyer, and Nerissa as a clerk reached there. Porcia एक young lawyer के रूप में और Nerissa उसे clerk के रूप में Venice पहुंच जाते हैं. First, Nerissa as a clerk went to the Duke of Venice. She gives a letter to Duke. The letter was from Dr. Bellerio. Nerissa पत्र देती है उस Duke को. वह पत्र Bellerio के तरफ से था. Duke reads the letter. Duke उस पत्र को पढ़ता है. And at last he announces that Dr. Bellerio was sick. Dr. Bellerio is ill, so he could not attend the court, and he had sent a young lawyer on behalf of him. Duke अनाउंस कर देता है कि Dr. Bellerio बीमार हैं और अपने स्थान पर वह एक यंग लॉयर को भेजें और वही एंटोनियो को केस को देखेगा. इस प्रकार
Porcia got a chance to save Antonio as a young liar. At last, in trial scene, Porcia as a young liar delivers a powerful and beautiful speech before the Duke. Duke के सामने वह एक ओजस्वी भाषण देती है. She explains mercy before the Duke. और Duke के सामने दया की व्याख्या करती है. According to her, mercy is a divine quality. Mercy is a double blessing. Mercy blesses both the giver and the receiver. So all the men and women should have mercy in their hearts. वो समझाती है कि दया एक दैवीय गुण है. हम सभी मनुष्यों को इसे रखना चाहिए. But Sylock was a cruel man. He rejects her proposal. Sylock एक निर्दयी व्यक्ति है. उसके प्रपोजल को ठुकरा देता. He was ready to cut out 1 pound flesh from Antonio's body. वो एंटोनियो के शरीर से 1 pound मांस काटने के लिए बिल्कुल तैयार है. He went forward with a knife to cut out 1 pound flesh from Antonio's body. वो चाकू के साथ, एक चमकते हुए चाकू के साथ आगे बढ़ता है और एंटोनियो के मांस को काटना चाहता. Just then, Porcia commented. तभी Porcia कमेंट करती है. वो कहती है कि Sylock should arrange a surgeon for Antonio's treatment. एंटोनियो के ट्रीटमेंट के लिए एक सर्जन की व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि वो घायल हो जाएगा मांस काटने के बाद. बट Sylock रिजेक्ट्स हर प्रपोजल. लेकिन Sylock उसको उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देता. एट लास्ट Porcia कमेंटेड दैट Sylock कैन कट आउट 1 pound फ्लेश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी बट नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड बी शेड फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन द बॉन्ड. Porcia कहती है कि एंटोनियो के शरीर से एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए क्योंकि बॉन्ड में ऐसा कुछ वर्णन नहीं. अदरवाइज Sylock वुड बी पनिश्ड बाय द ड्यूक. वो कहती है कि अगर एक बूंद भी खून गिरेगा तो Sylock ड्यूक के द्वारा दंडित कर दिया जाएगा. अब Sylock बिल्कुल परेशान है. Sylock एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक बिफोर ड्यूक. वह ड्यूक के सामने अपनी गलती स्वीकारता है. बट एट लास्ट ही वॉज पनिश्ड. द ड्यूक अनाउंस्ड दैट हाफ वन प्रॉपर्टी ऑफ Sylock वुड बी गिवेन टू द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस एंड हाफ प्रॉपर्टी वुड बी गिवेन टू एंटोनियो. बट एंटोनियो डिड नॉट एक्सेप्ट the half property of Sylock. He tells that after Sylock's death, his half property would be given to Lorenzo and Jessica. इस प्रकार एंटोनियो उसके आधे धन को लेने को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि Sylock की मौत के बाद यह धन लोरेंजो अर्थात Sylock के दामाद लोरेंजो और उसकी बेटी जेसिका को दे दिया जाएगा. इस प्रकार Sylock defeats and Antonio wins the case. The goodness wins and evil defeats, evil loses. अच्छाई की जीत होती है, बुराई हारता. The young liar demanded for a gift. यंग लायर एक गिफ्ट की मांग कर ली. अर्थात Porcia जो यंग लायर के रूप में है वह Bassanio और एंटोनियो से एक गिफ्ट मांगती. Bassanio गेव द यंग लायर अर्थात Porcia
3000 ducats as a gift, but Portia rejected it. और 3000 ducats दिया लेकिन वो उसे reject कर दी. She demanded Bassanio's ring. वह Bassanio की अंगूठी की मांग कर ली. Bassanio denied for it. Bassanio इसके लिए मना कर दिया. But at last he sent his ring by Graciano to Portia. लेकिन वह पोर्सिया के पास अंत में वह रिंग अपना अंगूठी Graciano से भेज देता है. Graciano went to Portia, अर्थात यंग लायर, एंड ही गिव्स Bassanio's रिंग टू हर. जस्ट द सेम टाइम Nerissa एज ए क्लर्क डिमांड्स Graciano's रिंग. उसी समय Nerissa भी एक क्लर्क के रूप में Graciano के अंगूठी की मांग करती है. Graciano गिव्स हिज रिंग टू Nerissa द क्लर्क, और इस प्रकार Graciano भी अपनी अंगूठी Nerissa को, अर्थात उस क्लर्क समझकर उस Nerissa को दे. एट लास्ट Portia एंड Nerissa रीच्ड बेलमेंट. अंत में Portia और Nerissa बेलमेंट पहुंच जाते हैं. आफ्टर इट Bassanio, एंटोनियो एंड दियर फ्रेंड्स आल्सो रीच्ड बेलमेंट. अंत में ये सभी लोग भी Bassanio, एंटोनियो, उनके सारे दोस्त बेलमेंट पहुंचते हैं. Nerissa डिमांड्स द रिंग ऑफ Graciano. Nerissa Graciano के रिंग की मांग करती है. Graciano टेल्स हर दैट ही हैड गिवन हिज रिंग टू द क्लर्क. जस्ट देन Portia आल्सो डिमांडेड द रिंग ऑफ Bassanio. Bassanio टोल्ड हर दैट ही हैड गिवन हिज रिंग टू द यंग लायर एज अ गिफ्ट. इस प्रकार Bassanio भी बताता है कि वह अपनी अंगूठी उस युवा वकील को एक गिफ्ट के रूप में दे दिया. बोथ क्वेरल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं. Nerissa क्वेरल विथ Graciano एंड Portia क्वेरल विथ Bassanio. एट लास्ट Portia ओपन्स द सेक्रेट, ओपन्स द मिस्ट्री. अंत में Portia सारे रहस्य को खोल देती है. सी गिव्स Bassanio's रिंग टू हिम एंड Nerissa गिव्स Graciano's रिंग. एट लास्ट एंटोनियो इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज सेव्ड बाय Portia. And at last Antonio's ships had returned. Antonio की जहाजें भी वापस आ चुकी. Bassanio has Portia. Portia has Bassanio. Nerissa has Graciano. Graciano has Nerissa. Jessica has Lorenzo. Lorenzo has Jessica. अर्थात Bassanio को Portia, Portia को Bassanio मिल जाते हैं. Nerissa को Graciano, Graciano को Nerissa मिल जाती. Lorenzo को Jessica, Jessica को Lorenzo मिल जाता. एंड Sylock वाज पनिश्ड, और Sylock को दंड मिल जाता है. दस द गुडनेस विंस एंड इविल लूजेस. इस प्रकार सत्य की अच्छाई की विजय होती है और बुराई की हार होती. इस नाटक के माध्यम से संक्षिप्त सारांश आपको बताया गया. आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड. अब इसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे. आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन from the Merchant of Venice.
माई बेस्ट विशेज फॉर यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।